लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच के घेरे में है। सीबीआई की टीम ने लालू परिवार के कई सदस्यों से इस मामले में पूछताछ की है। वही आपको बता दें कि लालू प्रसाद के परिवार का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत जमीन के बदले नौकरी मामले को एक बार फिर से उठाया गया है। लालू परिवार का कहना है कि सीबीआई पहले 2 बार इस केस में जांच कर चुकी है और उसे कोई सबूत नहीं मिला था। इसके बाद सीबीआई ने केस को बंद कर दिया था, लेकिन अब सीबीआई फिर इस मामले में पूछताछ कर क्या जानना चाह रही है। वही आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में मई महीने में सीबीआई की टीम ने देश भर में 9 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने पटना, आरा, भोजपुर, दिल्ली और गुरुग्राम में रेड मारी थी। वही बिहार के पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर भी सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई थी। साथ ही आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के करीबी विधायक किरण देवी के पटना और आरा के घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी थी। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर पर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। इसे लेकर सीबीआई भी जांच कर रही है। वहीं सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियाँ की गई थी, जिसके तहत ईडी ने ये ठोस कदम उठाया है।